जातीय जनगणना का रिपोर्ट हुआ है तो इसमें तो हो गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 82% हिंदू है बिहार में, तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और हिंदुओं का बोलबाला हो सब, और जिस तरह से मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ा है यह भी चिंतनीय है। कहा गया परिवार नियोजन, कहा गया सरकार का स्वास्थ्य कार्ड, अब 32 साल से इन लोगों को याद नहीं आया, ये अंतिम पासा है, अंतिम दाव है नीतीश जी और लालू जी का। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद राज्य में सियासत गर्मा चुकी है। राजनीतिक पार्टियां इस सवाल खड़े कर रही हैं कि इस बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान सामने आया है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जातीय आंकड़ों में बिहार में 82% संख्या हिंदुओं की है, इसलिए बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले, बिहार में हिंदुओं का बोलबाला होना चाहिए। जातीय जनगणना का रिपोर्ट हुआ है तो इसमें तो हो गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 82% हिंदू है बिहार में, तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और हिंदुओं का बोलबाला हो सभी जगह, इसीलिए कोई बात नहीं है हिंदुओं का, और जिस तरह से मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ा है यह भी चिंतनीय है। कहा गया परिवार नियोजन, कहा गया सरकार का स्वास्थ्य कार्ड, ये सब इसलिए विचारणीय विषय है, अगर सभी आदमी नहीं संभले तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में कहाँ चला जाएगा, जात नाम का चीजों नहीं बचेगा बिहार में। यादव ने भी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात कही है, तो ऊपर क्या कहें? तो लालू जी तो कहे तब तब अति पिछड़ा भाई को बना में मुख्यमंत्री, अब 32 साल से इन लोगों को याद नहीं आया, ये अंतिम पासा है, अंतिम दाव है नीतीश जी और लालू जी का जो नहीं चलेगा। बता दें कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति आधारित जनगणना सर्वे के आंकड़े जारी किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, जिसमें से पिछड़ा वर्ग 27.13% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52% है। इसके साथ ही बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने 9 पार्टियों की हुई सर्वदलीय बैठक में यह आश्वासन दिया है कि सामाजिक और आर्थिक सर्वे के आंकड़े को शीतकालीन सत्र में के दौरान रखा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।